क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई, क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? अपने मसीहों के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान में हम किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम हमेशा काम करते हैं और मैं पाकिस्तान में तकरीबन 2010 से काम कर रहा हूं। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में ये मैं अक्सर इनसे कहता हूं कि मौलाना साहब, पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत मुल्क नहीं बनता, क्योंकि मुसलमान सिर्फ वो है जो अकलियतों को तहफ़ देता है। अगर वो अकलियतों को तहफ़ नहीं देता तो वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। इसलिए कि बाद में मौलाना ताहिर जमील और ताहिर अशरफी वगैरह सब आ जाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अकलियतों को तहफ़ देता है, लेकिन वो सिर्फ मुंह की बातें हैं। इसलिए कि अगर वो तहफ़ देते हो तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये चीजें बने। और मैंने एक दफा मौलाना अशरफी साहब से कहा कि मौलाना साहब आप माइंड ना करें, क्योंकि आप जो है आप सबको काफिर कहते हैं, इसलिए कि आप में लैक ऑफ एजुकेशन है, आपको नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है। जबकि इस्लाम को हमने परवान चढ़ाया, 1400 साल पहले हजूर पाक को हमने पनाह दी, और जब हमने आपको पनाह दी, हर लिहाज से हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आप हमारे में ही हमेशा हमारे चर्चेस को आप तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, हमारी बच्चियों को अंडर एज मैरिज के लिए बरगलाते हैं, हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, बच्चों को बरगलाते हैं, भाई हुक एंड कुर्क उनको मुसलमान बनाते हैं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? और फिर वो क्या जवाब देते हैं, ये मुसलमान नहीं। तो मैंने कहा माइंड नहीं करें, अगर वो मुसलमान नहीं तो जो आप 1 अरब से ज्यादा है, आप सिर्फ 10% से ही मुसलमान है। इसका मतलब कि आप दुनिया में बहुत छोटी कौम है, आप मुसलमान नहीं, आप सिर्फ 10% है। तो पाकिस्तान में फिर क्रिश्चियनों की हुकूमत होनी चाहिए, मुसलमानों की नहीं, क्योंकि हम अक्सरियत में हैं वहां पर। तो मेरे अजीजों, पाकिस्तान में भी हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि हम सब मिलकर अपने अपने जो चर्चेज हैं उनको यूनाइट करें, कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मिलकर सारे काम करें, और मिलकर जब हम एक ताकत होंगे और फिर हम कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये जो पार्लियामेंटेरियन असेंबली में बैठे, आपने देखा कि किसी की अभी तक कोई आवाज नहीं उठी, दे आर ऑल डमीज, ये डमी से भी बदतर है, क्योंकि डमीज को तो आप शोकेस की जीनत बनाते हैं, या तो उस काबिल भी नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसे कमाते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं। और जो शख्स पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो दिहाड़ीबाज लोग हैं, ये उनके तलवे चाट कर सीटें ले लेते हैं और बाद में सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, ये मसीही नहीं, असल में ये भी मुसलमान ही है जो हम पर जोर करते हैं, मसीहत के नाम पे तो आ जाते हैं लेकिन मुसलमान ये क्रिश्चियन नहीं होते। इसलिए हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें और अपने आप में ऐसी यूनिटी पैदा करें और ऐसे लोगों के पीछे चलें जो मसीही कौम का दर्द रखते हैं, ताकि हम वहां पर चेंज ला सके। और जब तक चर्च और पॉलिटिकल सिस्टम इकट्ठे होकर पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। क्रिश्चियनिटी हैज बीन अटैक्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन पाकिस्तान। रिसेंटली आवर क्रिश्चियन मेंबर नजीर मसीह वॉज लिंच्ड बाय इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑन अ फॉल्स accusation that he has desecrated the pages of Holy Quran. On 25th of May, this lynching happened in Sargodha, Pakistan, where a Christian man was brutally attacked by the hundreds of extremist group belonging from PMP, calling for his death and calling. And this call was not from only from the mobile phones, but unfortunately to call for the death of Nazir Masih on a false accusation, this call of inciting violence was called by using the most loudspeakers. So the person used most loudspeakers for inciting violence, calling for people to come gathered. We have to kill, we have to murder somebody. This is unfortunate. This is not the first incident in Pakistan. Unfortunately, last year in 2023,
in August 2023, the same TLP group with multiple sides, from multiple sides, thousands of thousands, members of Pakistan Islamic Hardline political group TLP gathered not only with mob but also with the weapons, with the trains, with all premeditated plan for attacking Christians, where they burned almost 26 churches and around 200 houses were attacked in Jallianwala in 2023. And these incidents are not stopping in Pakistan, unfortunately. Months after months, weeks after weeks, day after day, we have seen that the Christian or minorities have been attacked by these extremist groups. But unfortunately, these incidents, these attacks, when these things happen, unfortunately, these attacks happen in the presence of police, and they are failed to protect the religious minority. Therefore, today, our European Pakistani Christians have gathered to call on Pakistani government, to call Pakistani authorities to stop, to end the mob violence, stop violence against Christians, stop violence, stop attacking on churches, stop vandalizing churches, stop burning alive in Pakistan. So therefore we call on Pakistan to immediately take action throughout Pakistan and prosecute those criminals, prosecute those assailants who took law into their own hands. And we have seen the videos, and the person who was accused, he was lynched before due process, before legal process. But the people who took the law, they are there, who took the law into their hands. We call on Pakistani authorities to immediately prosecute them and set the government writ by prosecuting, by setting the example of the authorities. Immediately arrest them, prosecute them, and we want just, we want justice. और मैं समझता हूँ बड़े मैंने तो बहुत सालों से एक छोटा सा हिस्सा हूँ अपने लोगों की जिंदगियों में, और दिल रोता है, रोज रोता है, दिल दुखी होता है। मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा, मेरे बाप की उम्र 82-83 साल है, और उस दिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा अपना बाप उसको संसार किया जा रहा है। और मेरे बाप का नाम अंटोन है, और मेरा पिछला गांव मरियमबाद है, ज़ियारत महमर में पैदा हुआ, और मैं, मुझे फख्र है कि मैं मरियमबाद से तलक रखता हूँ, और मेरे नान के वो खुशपुर के हैं, और हमारी तो धरती ही शहीदों की धरती है। लेकिन पाकिस्तान का हर मसीही इलाका अब तो शहीदों की धरती है। हर तरफ मसीही पिस रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ना बेटियों को छोड़ते हैं, ना बेटों को छोड़ते हैं, ना ये इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी मजहबी दहशत गर्द ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं। और यकीन जाने कि वो वक्त दूर नहीं, बड़े बड़ी मिस्ट्री में, बड़े भेद में, ये मैं कह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत लंबा धरना होने जा रहा है, और यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा होगा, और वो वक्त दूर नहीं, और वो आने वाले महीनों में ही होगा। और पता नहीं खुदा ने किसको चुनना है। खुदा आप सबको बरकत दे, आप इकट्ठे रहें।